the faculty members, the students, assalamu alaikum. I came late, so I don't have much knowledge about neurogynecology, but I believe that we live in a century which is about awareness about your health, awareness about your family. We live in a COVID 2019, and no one was calculating that how we are going to survive, how we are going to live in COVID-19 situation. My humble submission is, impressed by Joe Biden when he was running an election campaign, and he said that, believe in science rather than fiction. Right? Believe in science. We live in a society where we tend to believe in fiction. We don't believe in science. तो मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ. डॉक्टर के पास अक्सर लोग जाते हैं और हम लोग बहुत देर से जाते हैं. We don't have the prevention, we don't have early diagnosis, don't go for a regular checkup, बहुत देर से जाते हैं. जाना था वो मजारों में गुजार दिया, उसका ख्याल नहीं किया और वो 3 महीने में मर गया. So that's आप कॉमनली देख रहे होंगे कि हम कैसे अपने आप को अवेयरनेस कराते हैं. डॉक्टर अकील ने एक बात अच्छी कही अबाउट सवाल पूछे. मेरे ख्याल से प्रॉब्लम उस साइड पे नहीं है. प्रॉब्लम किस साइड पे? इट्स अबाउट द री टीचिंग मेथोडोलॉजी. एंड आई कोट Benjamin Franklin, an American scholar, he said that, teach me, I forget. Tell me, I remember. Engage me, and I learn. So I think, as a teacher, और मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं पढ़ाता हूं. My field is public policy and administration. So it's about engaging the student in academic discourse. Let the student challenge. हम challenge करने नहीं देते बच्चों को. अगर कोई पूछे कि जी सवाल पूछे तो मैं इस प्रश्न से बोलता हूं, don't try to be too smart. Sit down. होशियार बनने की जरूरत नहीं है. So I think we have to change ourselves. And I think आज का जो प्रेजेंटेशन थी, आई थिंक आई रिक्वेस्ट कि थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन बच्चों को शेयर करें. एंड आई रेस्ट अश्योर नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इनवाइट यू और वहां पे बैठे मैं शुगर नहीं लेता. आई एम नॉट डायबिटिक बट आई एम नॉट टेकिंग एनी शुगर. और सबसे ज्यादा कंप्लेन मेरी वाइफ करती है, मैं इतने प्यार से बनाती हूँ आप खाती नहीं. ठीक है, बट आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. ठीक है, अभी मैं साइकिलिंग थोड़ा कम कर रहा हूं, बट 6 महीने तक मैंने कम से कम 10 किलोमीटर रोजाना साइकिलिंग की. आई हैव द रियलाइजेशन कि मेरी उम्र के साथ साथ मैंने कैसे अपने आप को अपनी सेहत का ख्याल रखना है. जितनी उम्र आपने जीनी है और मैंने जीनी है, इसमें कोई शक ही नहीं बात है. बट इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी. कि मैं 52 साल रहने हैं, 55 साल रहने हैं, बिस्तर पे रह के बेहतर है कि चल कर ले. तो थिंक अबाउट योर हेल्थ, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. और अभी इन्होंने फ्रूट के बारे में बहुत अच्छी बात बताई. इन यूरोप द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 79, इन अमेरिका इज 77, इन फार ईस्ट इट इज 75, इन पाकिस्तान इट इज 58. So that's only comparison I can give to you people. ठीक है, और तमाम चीजों के बारे में शेयर करें अपनी फैमिली के साथ.